हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिता कैश किचन में। तो आज हम बनाएंगे बेसन की बहुत ही चटपटी रेसिपी। आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिए हैं, एक कटोरी बेसन ले लिए हैं। तो हमने बेसन को पहले से छन्नी से छान के लिए हैं, तो इसको छन्नी से छान के लीजिएगा। एक चुटकी करीब काला नमक डाल रहे हैं, एक चुटकी यहाँ पे हम सफेद नमक डाल रहे हैं। तो नमक यहाँ पे स्वाद के अनुसार नहीं रखना है, थोड़ा सा कम रखिएगा। और एक चुटकी यहाँ पे हम हींग डाल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि घोल बना लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो हमें ज्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बनाना है। तो ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा पतला घोल बनाना है। यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो एक चुटकी करीब यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर लिए हैं, एक चुटकी करीब आमचूर पाउडर लिए हैं। इससे खट्टा फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। इन दोनों चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं चम्मच पे, तो अच्छे से लाइन ड्रॉ हो जा रही है। तो बस इसी तरीके से हमें घोल बनानी है, और घोल पतला आगे हम दिखाएंगे, हल्का सा पतला और करनी है। तो अभी कुछ भी मत डालिएगा, और इसको हम ढक के साइड में रख देंगे। और यहाँ पे हमने दो प्लास्टिक के डब्बे लिए हैं, तो हमारे इस डब्बे में तो कहीं आइसक्रीम का इस डब्बा मिलता है प्लास्टिक वाली, वो भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पे सुआ ले लिए हैं, और सुआ को खूब अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। और खूब अच्छे गर्म हो जाए उसके बाद इसमें छेद कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। एक बार गर्म करिएगा तो एक लाइन छेद हो जाएगी। इसी तरीके से पूरे डब्बे में जो है ना छेद कर लीजिएगा। तो इसे बहुत ही बढ़िया जो हमारा बूंदी छोटा छोटा निकल के तैयार होता है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे हमने जो है डिब्बे छन्नी के, हमें छन्नी की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक के डब्बे से ही हम छन्नी तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे हम बेसन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसन को मैं ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए रख दिए थे। तो बेसन को थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि हम बेसन अच्छे फूल जाए। और यहाँ पे एक चम्मच हम डाल दिए हैं देसी घी, तो घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और घी डालने के बाद बेसन को कम से कम 1 मिनट के लिए मिक्स करिएगा अच्छे से, तब ताकि बेसन जो है ना अच्छे फूल जाए। और जितना आप बेसन को घोलेंगे ना उतना बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ पे हम तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिए थे, और डब्बे में हम बेसन को डालेंगे, हल्का हल्का हाथों से हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं हिलाना, एक जगह दो गिर जाएंगे ना तो चपक जाएंगे एक दूसरे से। बस हल्का हल्का हाथों से इसको घुमाते जाना है और हिलाते जाना है। तो इसी तरीके से देखिए कितना बढ़िया जो हमारा बूंदी ऊपर आ रहा है, जैसे डाल रहे हैं वैसे ऊपर आते जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, एकदम छोटे छोटे गोल गोल बूंदी हमारे इसमें बन के तैयार होते हैं। तो इसको हम अलट पलट करते रहेंगे, अलट पलट करके इसको हम सुनहरा करके फ्राई कर लेना है, अच्छे क्रिस्पी करके। सुनहरा भी करना है, साथ ही हमें क्रिस्पी भी करना है। तो हमें तकरीबन इसको 1.5 से 2 मिनट लगे हैं फ्राई करने में, इसको पकाने में। इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगते हैं। और फ्राई करने के बाद, सुनहरा करने के बाद इसको हम छन्नी में निकाल लिए हैं, जो एक्स्ट्रा तेल होगी ना वो निकल जाएगी। उसके बाद इसको हम प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसी तरीके से बाकी को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बाकी जो बूंदी हम तैयार कर लिए बना के, और यहाँ पे उसी कटोरी से हम एक कटोरी पोहा ले लिए हैं और छन्नी में डाल लिए हैं। तो छन्नी में फ्राई करिएगा पोहा, बहुत ही बढ़िया फ्राई हो जाते हैं। और साइड में जैसे आप पूरे तेल में डाल देंगे ना, तो पोहा को जब तक निकालेंगे ना तब तक में थोड़ा बहुत ये जो है ज्यादा पक जाते हैं, कोई कोई पोहा जो जो बच जाते हैं। और छन्नी में जैसे हम पका रहे हैं ना, सब परफेक्ट एक तरीके से पकेंगे। और इसको तकरीबन 1 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। और छन्नी में क्या होता है ना, सारा समेटे हुए एक ही साथ आ जाते हैं। और तेल को खूब अच्छे से हिलाते हुए निकाल लेना है। उसके बाद हम बूंदी के ऊपर डाल लेंगे पोहे को। उसके बाद हम एक कटोरी यहाँ पे मूंगफलियां ले लिए हैं, अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे छन्नी में ही डाल के। छन्नी में डाल के एकदम क्या होता है ना, जैसे फ्राई हुआ वैसे एक बार में निकाल लीजिए, बहुत ही बढ़िया होता है। इससे ज़्यादा लगता भी नहीं, हमें जितना ज़रूरत है फ्राई करने का बस उतना ही होता है। और मूंगफली को भी हम 1 मिनट के करीब तकरीबन फ्राई करेंगे। तो आप चाहे तो हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं तेल में डाल के, बस हल्का सा तेल डाल के घी डाल के रोस्ट कर सकते हैं। बट हमें जल्दी बनाना हो तो इसको हल्का सा फ्राई, 1 मिनट लगेगी फ्राई करने में, रोस्ट करने में आपको कम से कम तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएगी बढ़िया से रोस्ट करने में। और यहाँ जो मूंगफली है हमारा रोस्ट फ्राई हो चुका है, सॉरी फ्राई हो चुका है, अब हम निकाल लेंगे। तो पोहा के ऊपर हम और यहाँ पे मूंगफली हम डाल लिए मिक्सिंग बाउल हैं, में ले लिए और हैं एक चम्मच के करीब हम छोटी चम्मच से डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर।
और चाट मसाला 1 चम्मच भर के डाल रहे हैं। इसे बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए बोले थे बूंदी में थोड़ा बेसन में कम नमक डालने के लिए। और यहाँ पे हम 1 चम्मच ले लिए हैं पोहा मसाला। अगर आपके पास मैगी मसाला हो और कोई एक्स्ट्रा मसाला हो तो वो डाल सकते हैं, चिकन मसाला हो तो जरूर डालिएगा, उसे बहुत ही अच्छा टेस्टी बनती है। हमारे पास नहीं थे पोहा मसाला, पड़े थे तो वही 1 चम्मच डालने से बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर आएगा। और सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाकी और मसाला हम नहीं डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो गरम मसाला वगैरह डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दिखाते हैं आपका आपको आवाज़ सुना के, देखिए कितना बढ़िया जो हमारा नमकीन है बना है, क्रिस्पी एकदम मार्केट की जैसी तो लग रहा है, देखने से कि मार्केट की जैसी बना है। और हम नज़दीक से भी दिखा देते हैं कि देखिए कितना बढ़िया नमकीन, देखने में जितना बढ़िया बना है ना, खाने में उतना ही टेस्टी बना है। तो इस तरीके से बनाइए, पूरा फैमिली एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। तो हमारे वीडियो देखने के लिए सबको दिल से थैंक यू। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।